हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको घुमाने वाले हैं एक ऐसा हिल स्टेशन जिसका ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में कोई जवाब ही नहीं है यार। अगर आपको गर्मियों में लेने हैं ठंड के मजे, तो आंख बंद करके प्लान कीजिए इस हिल स्टेशन की ट्रिप। और आज जिस हिल स्टेशन की सैर हम आपको कराने वाले हैं, उसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन की लिस्ट में रखा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई यहां पे एक बार आ गया ना, तो फिर यहीं का हो जाता है यार। और यहां के लोगों के घरों में ना सेब का पेड़ जरूर लगा होता है भाई। और इस हिल स्टेशन तक जाती है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जहाँ से हर दिन गुजरती हैं हजारों गाड़ियाँ। यहाँ है एक ऐसी जगह जहाँ से आपको गुजरना है तो आपको समाधि पर चढ़ानी होगी पानी की बोतल और सिगरेट। और यहाँ के कार्निवाल को माना जाता है दुनिया का सबसे बेस्ट कार्निवाल। यस, अगर आप रोज की जिंदगी जीने के तरीके से थक गए ना यार, बैग पैक करो, निकल जाओ, पहुँच जाओ इस हिल स्टेशन पर अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए। और इस हिल स्टेशन का नाम है मनाली, वो मनाली जिसे कहा जाता है भारत का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। तो चलिए यार, चलते एक साथ मनाली के शानदार सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मनाली यानी भारत के हिमाचल स्टेट के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी जगह जिसे टूरिज्म के लिहाज से भारत की सबसे पॉपुलर साइट के रूप में जाना जाता है। वैसे तो भारत में ऐसे कई हिल स्टेशन है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन मनाली जैसा खूबसूरत हिल स्टेशन और कोई नहीं है। मनाली में कुल 11,000 लोग ही रहते हैं यार। और शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मनाली 3 पहाड़ियों को कवर करता है। इस लिहाज से इस पूरी जगह को 3 भागों में बांटा गया है, पुराने मनाली गांव, ढुंगरी और वशिष्ठ। अब दिलचस्प बात ये दोस्तों कि हर एक पहाड़ी में एक मंदिर है। पुराने मनाली गांव में मनु मंदिर है, ढुंगरी में हडिम्बा मंदिर है और वशिष्ठ में वशिष्ठ मंदिर है। कहा जाता है कि अगर आप भारत में हो और मनाली नहीं घूमे तो यार यहाँ रहना बेकार है भाई, क्या कर क्या रहे हो यार। और गर्मियों के मौसम में मनाली में इतनी भीड़ देखने को मिल जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो पूरा का पूरा देश इसी जगह पर इकट्ठा हो गया। मनाली भारत के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, जो लगभग 1800 मीटर 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यही वजह है कि इसे भारत के सबसे ठंडी जगहों में गिना जाता है। और इस स्थान का नाम मनु संत के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों, मनाली के लोग आपको ना खेती करते हुए सबसे ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ के लोगों को ना सेब सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए सेब लवर्स को मनाली हमेशा से ही सबसे ज्यादा पसंद आता है। मनाली में रहने वाले लोगों के हर घर में आपको सेब का पेड़ तो जरूर मिल जाएगा। और मनाली दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म के सेबों में से एक का उत्पादन करता है। और यहाँ से पूरे देश में सेब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट अपने साथ कुछ लेकर जाए या ना जाए, लेकिन भाई सेब जरूर लेकर जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने इजराइल का नाम तो सुना ही होगा ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक इजराइल है जो मनाली के पास ही बसा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस जगह को कहा जाता है कसोल। कसोल काफी पॉपुलर जगह है और मनाली जाने वाले लोग इस जगह की वजह से ही हिमाचल घूमना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी जगह को कहा जाता है मिनी इजराइल। कसोल में आपको जो सबसे अलग चीज देखने को मिलेगी वो है यहाँ के लोग। यहाँ आपको भारत से ज्यादा दूसरे देशों में आए लोगों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। और इन टूरिस्ट में सबसे ज्यादा होते हैं इजराइल के लोग। यहाँ आपको इजराइल के झंडे भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ कसोल के खाने का मेन्यू भी इजरायली भाषा यानी कि हिब्रू में लिखा होता है। और ये जगह नशा करने के लिए भाई काफी बदनाम है, लेकिन हाँ, फिर भी आप लोग कसोल घूम के अपने वेकेशंस को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। कसोल में घूमने के लिए काफी जगह है, जैसे पार्वती नदी, खीर गंगा चोटी, मलाना, तोश गांव और भंतूर जैसे कई सारी जगह है। कसोल ट्रैकिंग लवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना। और इस सुरंग के बनने के बाद अब मनाली और भी ज्यादा चर्चा में बना रहता है। दरअसल दोस्तों, मनाली को लेह से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल टनल ने इस जगह को अब और भी ज्यादा खास बना दिया है। ये सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है और यात्रा के समय को 4 से 5 घंटे कम कर देती है। ये 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखने में मदद करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। और पिछले कुछ सालों में मनाली में आने वाले टूरिस्ट की संख्या अगर काफी ज्यादा बढ़ी है तो उसमें इस सुरंग का काफी ज्यादा योगदान है, क्योंकि इस सुरंग की वजह से ही लोग मनाली आना पसंद करते हैं। आना भी इजी है और घूमने मजा आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई सुरंग की बात यार, अब बात करते हैं मनाली के एक और खास चीज के बारे में, यहाँ का स्काई साइकिलिंग ट्रैक। ये स्काई ट्रैक कोई साधारण ट्रैक नहीं है, बल्कि इसे जाना जाता है दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई साइकिलिंग ट्रैक के तौर पे। अब आपको बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिल ट्रैक पार्क मनाली के गुलाबा में 9000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और इस साइकिल ट्रैक की कुल लंबाई 350 मीटर है। देश के सबसे ऊंचे साइकिलिंग ट्रैक के साथ साथ 450 मीटर लंबी जिप लाइन भी है, जो आपकी मनाली ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 9000 फीट की ऊंचाई पर साइकिल करना और जीप दौड़ाने में कितना मजा आता होगा ना। यस भाई, बहुत मजा आता है। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और इसमें विश्वास रखते हैं तो मनाली में आपको आस्था से जुड़ी हुई काफी चीजें मिल जाएंगी। प्राकृतिक सौंदर्य और वादियों से घिरे मनाली में कई प्राचीन मंदिर हैं। इसमें से एक शिव जी का मंदिर भी है, जहां भगवान शिव का ऐसा शिवलिंग विराजमान है जिस
जिसकी पूजा खुद हनुमान जी की माँ अंजनी करती थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी की माँ अंजनी ने मनाली में एक शिवलिंग की तपस्या की थी और इसे अमरनाथ की तरह ही चमत्कारी माना जाता है। कहती है कि यहाँ भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर हनुमान जी की माँ को आशीर्वाद भी दिया था और ये शिवलिंग अंजनी महादेव मंदिर में बसा हुआ है जो पहाड़ी की चोटी पर है और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप मनाली जा रहे हैं और आपका दिल कमजोर है तो यहाँ के हॉन्टेड प्लेसेस से बच के रहना भाई, और क्या। लेकिन अगर आपको हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने मजा आता है फिर तो भाई आपकी चांदी हो जाएगी। आपके लिए मनाली एक ऐसी जगह हो जाएगी जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। मनाली जाते समय ना रास्ते में कई ऐसी जगहें पड़ती हैं जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ भूत रहते हैं भाई, हॉन्टेड प्लेसेस हैं। यहाँ से निकलने वाले लोग ना इस भूत के स्थान पर मिनरल वाटर और सिगरेट रखकर ही आगे जाते हैं कि भैया हमारी रक्षा करना। और ये जगह है मनाली लेह मार्ग पर गाटा लूप्स। करीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर ये एक शांत जगह है जहाँ सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि उनका घर भी है। दरअसल माना जाता है कि काफी साल पहले एक ट्रक ड्राइवर क्लीनर को ट्रक में छोड़कर 40 किलोमीटर दूर गांव में पानी और खाना लेने के लिए चला गया, लेकिन बर्फबारी होने की वजह से एक हफ्ते बाद जब ड्राइवर लौटा तो क्लीनर की मौत हो चुकी थी और ड्राइवर ने उसी जगह पर क्लीनर का अंतिम संस्कार कर दिया और कुछ समय बाद उसी जगह पर हादसे होने लगे और इस वजह से क्लीनर की समाधि बनाई गई। तभी से जो लोग इस जगह से गुजरते हैं वो यहाँ भूत के इस रहस्यमय स्थान के सामने मिनरल वाटर और सिगरेट रखकर ही आगे जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो मनाली जाने का सही समय मार्च से अक्टूबर तक का माना जाता है क्योंकि इन दिनों देश में गर्मी का मौसम होता है और लोग अपनी वेकेशंस के लिए मनाली को चुनते हैं। लेकिन अगर आप न्यू ईयर पर कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं और आप इस दौरान मनाली जाना चाहते हैं तो जाओ यार, क्योंकि न्यू ईयर के मौके पर आपको देखने को मिलेगा मनाली का ग्रैंड कार्निवल फेस्टिवल। हिमाचल में मनाली विंटर कार्निवल काफी फेमस है और इस कार्निवल का आयोजन 2 से 6 जनवरी के बीच में किया जाता है और इस फेस्टिवल में आपको हिमाचल के कल्चर के खाने से लेकर कई नई नई चीजें देखने को मिलने वाली हैं। विदेशों में रहने वाले टूरिस्ट कई दिनों पहले से ही मनाली में इस कार्निवल को अटेंड करने के लिए आ जाते हैं और दोस्तों, आप अपने पूरे हफ्ते की मनाली ट्रिप को इस कार्निवल फेस्टिवल के सहारे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अगर आप भी हिमाचल के कल्चर को करीब से जानना चाहते हो तो फिर यार इस कार्निवल को अटेंड जरूर करना। वैसे दोस्तों, अगर आप मनाली जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ के स्ट्रीट फूड को जरूर ट्राई करना और अगर खाने की बात करें तो वहाँ के होटल्स में ज्यादातर इंडियन, तिब्बती और मैक्सिकन कुजीन सर्व किया जाता है। मनाली को उन हिल स्टेशन में गिना जाता है जहाँ के स्ट्रीट फूड का कोई जवाब ही नहीं होता है यार। आप बस मनाली में एंट्री कीजिए और आपके लिए यहाँ होंगे खाने के ढेर सारे ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ की बॉम्बे भेलपुरी, तीखी और चटपटी मुंबई का ये स्ट्रीट फूड मनाली में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप मनाली में हैं तो यहाँ की लोकल डिश सिदू को भी जरूर ट्राई करना है यार, इसको मत भूलना। यहाँ मटन और अन्य नॉन वेजिटेरियन डिशेस के लिए काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। ये मनाली की पहाड़ी महिलाओं द्वारा स्ट्रीट पर बेचा जाता है। इन डिशेस के अलावा आप मनाली जाकर बबरू, पटांडे, अकटोरी जैसे कई चीजें और भी ट्राई कर सकते हैं और ये सभी फूड आइटम्स इतने टेस्टी होते कि भाई कहना ही क्या। आप अपने घर वापस आने के बाद भी इन डिशेस को भूल नहीं पाओगे, यकीन मानो। दोस्तों, अगर आप मनाली गए हैं और यहाँ के कैफे में नहीं बैठे हैं तो आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी यार। यहाँ आपको सिर्फ बेहतरीन ढाबे ही नहीं बल्कि कुछ लाजवाब कैफे भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप मनाली के बेहतरीन दृश्यों को देखते हुए लाजवाब खाने का लुत्फ उठा सकते हो। यकीन मानिए, इस कैफे में आपको खाने का एक अलग ही आनंद महसूस होगा। यहाँ आपको चाइनीज और इंडियन के साथ यूरोपियन कैफे भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, मनाली में कई यूरोपियन कैफे भी हैं। इसका कारण है कि यूरोपीय पर्यटकों ने इस क्षेत्र की खोज की, स्थानीय लोगों से यहाँ पे शादी कर ली और इसके बाद खुद ही अपना कैफे शुरू कर दिया। लो, शुरू हो गए यूरोपियन कैफे, और क्या। आज भी ये कैफे काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर आपको एडवेंचर ट्रैक पसंद है तो भाई मनाली से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। कई ट्रैकिंग पॉइंट ऐसे हैं जो सेब के बगीचे, पवित्र झीलों और छोटी बस्तियों से होकर गुजरते हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ वीकेंड में ट्रैकिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी बकेट लिस्ट में मनाली को सबसे ऊपर रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मनाली जाने का प्लान बना ही रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आप मनाली पहुंच कैसे सकते हैं। देखिए, इस हिल स्टेशन पर जाने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। बुंटर एयरपोर्ट मनाली पहुंचने का बेस्ट तरीका है। बस में आपको थकान तो जरूर होगी पर खूबसूरती भी देखने को भरपूर मिलेगी। दिल्ली से मनाली तक का सफर बस से 14 घंटे का होता है। वहीं अगर आप धर्मशाला रुककर फिर मनाली जाना चाहते हैं तो ये दूरी 9 घंटे की हो जाती है। कुछ लोग अपने पर्सनल व्हीकल से भी मनाली आते हैं और एक अलग ही तरीके से इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप लग्जरी होटल में नहीं रुकना चाहते हैं तो बजट में आप मनाली के छोटे से गांव वशिष्ठ में रह सकते हैं। ये जगह आपको ओल्ड मनाली में देखने को मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से मनाली की ट्रिप प्लान कर लीजिए, आपका अपने परिवार के साथ एक हफ्ते का कुल खर्च 30,000 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यार। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली। अगर आप भारत के किसी हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो यार आपको बता दूं कि हिमालय की गोद में बसा मनाली शहर सबसे परफेक्ट होगा यार। वैसे अगर आप मनाली गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि
हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें। और हाँ, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ और अगले सफर के साथ।